नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश प्रीत सिंह फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर और अपने RPSC सेकंड गेट 2018 विभिन्न विषयों के संभाग आवंटन पश्चात नियुक्ति के संबंध में ये जो प्रश्न उठाया है अलग अलग विषयों का, सभी विषयों का, उनके बारे में आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपकी जो सूची है वो भी अपने देखेंगे सभी विषयों की, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्रत्येक विषय की अलग अलग टाइमिंग पे जो भी इस वीडियो के अंदर है। तो आप सिर्फ आपके विषय के सामने जो टाइमिंग लिखे उस पर क्लिक कीजिए और आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। जैसे ये अंग्रेजी का है तो एक चीज़ आप ध्यान रखें, एक तो ये पूरा आराम से पढ़िए इसको पूरा डिटेल में कि आपको क्या क्या करना है। साथ ही साथ आपका जो काउंसलिंग है वो 11/11/2020 को है और नियुक्ति जो है अंतिम तिथि कार्यग्रहण की वो है आपकी 21/11 को। तो अंग्रेजी के अभ्यर्थी देख लेते हैं अपने जल्दी से। यहाँ पर वही सेम आपका सीरियल नंबर है, फिर रोल नंबर, मेरिट नंबर, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, सिलेक्शन कैटेगरी, ओन कैटेगरी और उसके बाद आपकी अलॉटेड रेंज है। आप यहीं से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में। अब हिंदी का देखते हैं। नेक्स्ट अपना आता है हिंदी और साथ ही साथ अपने जो अभी की तैयारी करें हैं आपकी जानकारी में या कोई भी टीचिंग का ग्रुप है आपका, स्टडी ग्रुप है, उसके अंदर हमारी वीडियो को, चैनल को ज़रूर शेयर करें क्योंकि यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी रीड के कंटेंट की। इसमें साइकोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, इनका कंटेंट काफ़ी करवाया गया है, तो ज़रूर वीडियो को, चैनल को शेयर करें। यह है सेकेंड ग्रेड 2018 हिंदी का। इनकी भी सेम है काउंसलिंग दिनांक जो 11/11/2020 और कार्यग्रहण की अंतिम तिथि जो है 21/11/2020 है। ये आप ज़रूर पढ़ लें। काउंसलिंग स्थान वगैरह सारा उसमें दिया हुआ है ऊपर। मेन यहाँ सूची है। देखिए कोई भी आपको ऑनलाइन बहुत रेयर है कि आपको कोई मिले जिसने ये चीज़ अपलोड की हो, तो अगर आपको ये मिल रहा है किसी भी माध्यम से तो हमारे YouTube चैनल MPS कोचिंग क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। रोल नंबर है आपका, मेरिट नंबर, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, सिलेक्शन कैटेगरी, ओन कैटेगरी और अलॉटेड रेंज, यानी कि जो आपको संभाग मिला है। यहाँ पर 16 अभ्यर्थी ये लिए गए हैं, उसके बाद आगे भी हैं। ये देखिए टोटल 24 अभ्यर्थी यहाँ पर लिए गए हैं। तो आगे देखते हैं अब थर्ड सब्जेक्ट की, गणित। सभी विषयों की आ चुकी है सूची और डाउनलोड कैसे करनी है वो भी आपको बता देते हैं। ये जो साइट है education.rajasthan.gov.in, इसके ऊपर आपको मिल जाएगा पूरा कंटेंट। देखिए गणित की डाउनलोड हो गई है, गणित की देखते हैं अब। सेम वही है प्रोसेस, काउंसलिंग आपकी 11/11 को है और उसी दिन नियुक्ति आदेश जारी किया जाए और साथ ही साथ कार्यग्रहण जो है वो 21/11 को किया जाए। अब इनकी सूची देख लेते हैं अपने जल्दी से। गणित के जो अभ्यर्थी सेकंड ग्रेड में लिए गए हैं, देख सकते हैं आप रोल नंबर, मेरिट नंबर, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, सिलेक्शन कैटेगरी, ओन कैटेगरी और लोटेड रेंज, यानी कि जो आपको संभाग मिला है जोधपुर, सभी को जोधपुर संभाग मिला है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 9 अभ्यर्थी यहाँ पर लिए गए हैं गणित विषय के। आगे बढ़ते हैं अपने पंजाबी विषय की ओर। पंजाबी विषय नॉन TSP का, ये आप डिटेल ज़रूर पढ़ें। देखिए सेम काउंसलिंग आपकी 11/11/2020 और कार्यग्रहण, नियुक्ति आदेश आपको उसी दिन जारी कर दिए जाएंगे और कार्यग्रहण की अंतिम तिथि जो है वो 21/11 रखी गई है। ये देखिए पंजाबी के यहाँ अभ्यर्थी हैं 5, आप देख सकते हैं सभी को बीकानेर जोन मिला है।
रोल नंबर, मेरिट नंबर, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, सिलेक्शन कैटेगरी, ओन कैटेगरी और अलॉटेड रेंज। देखिए वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आगे देखते हैं संस्कृत विषय का। नेटवर्क थोड़ा सा स्लो चल रहा है। सभी विषयों की आपको इसी वीडियो के अंदर दिखाएंगे। ये देखिए ये आ गई है आपके सामने संस्कृत विषय की। तो काउंसलिंग दिनांक और कार्य ग्रहण आपके सामने लिखा हुआ है पूरा। फिर भी आप इस पूरे को पढ़ें आराम से। और अब अपने सूची की ओर बढ़ते हैं। ये आपके अभ्यर्थियों की सूची है। जोधपुर संभाग मिला है सभी अभ्यर्थियों को, 9 के 9 अभ्यर्थियों को। ये आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, वीडियो को पॉज करके। यहाँ पे आपका सीरियल नंबर, रोल नंबर, मेरिट नंबर, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, सिलेक्शन कैटेगरी, ओन कैटेगरी और अलॉटेड रेंज है। अब आगे देखते हैं विज्ञान विषय की। फिर सामाजिक विज्ञान है और उर्दू है। ये देखिए ये विज्ञान विषय की है, सेम वही ये पूरी की पूरी सूची लिखी हुई है, डिटेल लिखी हुई है, आप ये जरूर पढ़ें। ये देखिए यहाँ पर अभ्यर्थियों की सूची आपके सामने है। सीरियल नंबर, रोल नंबर, मेरिट नंबर, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, सिलेक्शन कैटेगरी, ओन कैटेगरी, अलॉटेड रेंज आपके सामने है। कुछ एक अभ्यर्थी यहाँ भी है इसके अंदर दूसरी सूची में। ये रहे टोटल 26 अभ्यर्थी लिए गए हैं। तो आप अपना जो संभाग है, अलॉटेड रेंज है, वो ज़रूर देख लें अच्छे से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अब अपने सामाजिक विज्ञान की देखते हैं। ये देखें ये रही आपकी मेन जो लिस्ट है। यहाँ पर आपका सीरियल नंबर है, रोल नंबर है, मेरिट नंबर है, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, सिलेक्शन कैटेगरी, ओन कैटेगरी और अलॉटेड रेंज। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अपना जो अलॉटेड रेंज है वो ज़रूर ध्यान रखें। आपको जो संभाग मिला है 15 अभ्यर्थियों की सूची यहाँ पर थी और 2 अभ्यर्थियों की सूची यहाँ और है सेकेंड पेज पर। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब अपने लास्ट बढ़ते हैं उर्दू विषय की ओर। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो ग्रुप्स हैं उनमें सभी में शेयर करें इस वीडियो को। और जो भी रेट के अभ्यर्थी हैं आपकी जानकारी के अंदर, आपके जो ग्रुप हैं उनके अंदर भी वीडियो को शेयर करें, चैनल को शेयर करें, ताकि यहाँ पर जो रेट का कंटेंट पढ़ाया जा रहा है प्लेलिस्ट के बनी हुई है, आप चेक कर सकते हैं। तो उनसे जो रीट के अभ्यर्थियों को काफ़ी मदद मिल सकती है एग्ज़ाम के अंदर। तो ये देखिए यहाँ उर्दू के 3 अभ्यर्थी लिए गए हैं, तीनों को उदयपुर संभाग मिला है, तो आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।